उनकी नीति ही ये रही है कि प्रदेश में गांधी गांधी और देश में नथुराम नथुराम। बापू के पड़पोते केंद्र सरकार से बेहद नाराज हैं। नाराजगी की वजह है 5 साल बाद लाल किले पर लॉन्च हुआ लाइट एंड साउंड शो का नया अवतार। वक्त हूँ, वक्त। दरअसल 1 घंटे के जय हिंद लाइट एंड साउंड शो में बापू और नेहरू से जुड़े कुछ हिस्सों को हटा दिया गया है। पहले के लाइट एंड साउंड शो में बापू और नेहरू से जुड़ी वो जानकारियां मौजूद थी, लेकिन अब नहीं है। उसमें से पंडित नेहरू का जिक्र हटा दिया गया है और बापू का भी, जो पहले के शो में जिस तरीके से जिक्र हुआ करता था, उसको कम करके अब सिर्फ महज एक तस्वीर के स्वरूप में उनको दिखाया जाता है। पंडित नेहरू से इस सरकार को, इस राष्ट्रीय सरकार को परहेज है, उसमें कोई छुपी बात नहीं। उनकी जो नीति है वो उसमें तो स्पष्ट है कि वो बापू की छवि जितनी धुंधली कर सके उतनी करने की कोशिश वो करते ही रहते हैं। लाइट एंड साउंड शो 70 के दशक से ही लाल किले पर आने वाले सैलानियों के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बना रहा है। इसमें लाल किले के 350 सालों के इतिहास और लाल किले से जुड़े कैरेक्टर की जानकारी दी जाती थी। उस वक्त राज कर रहा मुगल बादशाह आलमगीर। 5 सालों पहले इसे बंद कर दिया गया और अब नए सिरे से तैयार किया गया है। लाइट एंड साउंड शो के नए अवतार की शुरुआत 10 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह ने की। गृह मंत्री ने कहा कि जिन्होंने भी आजादी की लड़ाई में योगदान किया, उन सब के बारे में देश को जानना चाहिए। जो देश कभी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, वहां से लेकर आज तक की ये पूरी यात्रा में जिन जिन लोगों ने हमारे गुलामी के कालखंड से आजादी दिलाने में अपना सर्वस्व बलिदान किया है, वो सभी लोगों को देश की युवा पीढ़ी और आने वाली युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे जाने। लाइट एंड साउंड शो के नए अवतार की शुरुआत हुई तो पता चला कि गांधी और नेहरू से जुड़ी कई जानकारियां जो पहले मौजूद थी अब हटा दिया गया है। पहले के शो में महात्मा गांधी को नई ज्वाला बताया गया था, जबकि नए शो में बापू का नाम दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ शुमार किया गया है। पहले के शो में जवाहरलाल नेहरू और भूलाभाई देसाई को INA का वकील बताया गया था, जबकि नए शो में वो जानकारी हटा दी गई। लोग माफ नहीं करेंगे, जो आजादी के लिए उनकी देन है, जो देश के लिए उनकी देन है, अगर उनका नाम मिटाएंगे तो इनका नाम मिट जाएगा। एक ओर बापू और नेहरू को लेकर लाइट एंड साउंड पर विवाद बढ़ रहा है तो दूसरी ओर BJP कह रही है कि सशस्त्र आंदोलन नहीं होता तो शायद आजादी देर से मिलती। दिल्ली में एक किताब के विमोचन के मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को क्या नसीहत दी, ये सुनिए। इतिहास को वास्तविकता के आधार पर लिखना चाहिए, प्रयासों के मूल्यांकन के आधार पर लिखना चाहिए और प्रयासों के सभी परिमाण, इसके सभी डायमेंशन का एनालिसिस करके, इसका विश्लेषण करके लिखना चाहिए, तभी इतिहास अपने आप में परिपूर्ण होता है। और सशस्त्र क्रांति के इतिहास का भी ऐसा ही। वैसे नई लाइट एंड साउंड शो पर उठे विवाद को ASI खारिज कर रहा है और कम वक्त में ज्यादा ऐतिहासिक चरित्रों को जगह देने की दलील दे रहा है। बांदा का नवाब और झांसी की रानी। समय की एक सीमा है, 1 घंटे का लाइट एंड साउंड शो होता है और सभी घटनाओं को, चूंकि लाल किला हमारी एक आजादी का प्रतीक है और लोगों की आस्था उसमें जुड़ी हुई है, तो किसी भी पक्ष को जो है हम इसमें ओमिट नहीं कर सकते, तो हर पार्ट को थोड़ा थोड़ा लिया गया है। ASI की दलील अपनी जगह है, लेकिन ये तय है कि जय हिंद लाइट एंड शो को लेकर उठा विवाद इतिहासकारों और राजनीतिक पार्टियों के बीच खींचतान का एक नया चैप्टर है। राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो।